कह रहा था कि ईमान क्या है, इसका ना एक स्टोरी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। बेसिकली वो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो? अच्छा, होता ये कि एक तुम्हारे और मेरी तरह का एक लड़का होता है, वो कहता है कि मैंने अकेला ग्लोरी हासिल करनी है, तो मैं दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ जो है वो अकेले मैं सर करूँगा। इसी चक्कर में वो तैयारी करता है, चढ़ना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, आपको पता है ऑक्सीजन की कमी है, फिर फ्रिक्शन ग्रेविटी काफ़ी मसाइल पैदा करती है, तो जा रहा होता है, अभी थोड़ा सा ही ऊपर गया होता है तो पता चलता है कि रात पड़ रही है, देखता है स्लीपिंग बैग तो मैं लाया ही नहीं हूँ। अच्छा, स्लीपिंग बैग भी नहीं लाया, इसके अलावा मैं वो भी नहीं लेके आया, क्या कहते हैं, टेंट भी नहीं लेके आया, तो रात कैसे गुजरेगी। इसी चीज़ के ऊपर ना, इसी सोच के ऊपर जो है ना, वो कहता है यार चलो इस तरह करते हैं कि नीचे उतरते हैं, कल दोबारा आएंगे हम पहाड़ चढ़ने के लिए। नीचे उतरना होता है एक जगह पे, जो रस्सी है वो सही तरीके से अड़ी नहीं होती कील के साथ, जब एक जगह से स्लिप होता है नीचे गिरने लगता है, उसके बाद मज़ीद गिरना शुरू हो जाता है, एक और कील खुल जाता है, फ्री फॉल शुरू हो जाती है। इसी फ्रस्ट्रेशन और खौफ में कि मैं मर जाऊंगा, मौत से बढ़ के इंसान के लिए कोई खौफ है नहीं है, वो ज़ोर से दुआ करता है या अल्लाह मुझे बचा ले। आसमान से आवाज़ आती है कि बंदे मैं तुझे बचा लूँगा, तू मेरी बात मानेगा? वो कहता है या अल्लाह मैं तेरी बात मानूँगा, तू मुझे बचा ले। एकदम ठक करके एक जगह पे कील मजबूत लगा होता है ना, ये बच जाता है, वहाँ पे जो है ना ठहर जाती है। खैर, सांस इसे थोड़ा सा आता है, शुक्र करता है कि बच बचाओ हो गया। ऊपर से आवाज़ आती है, बंदे ये रस्सी काट दे। बड़ा मुश्किल काम होता है, अल्लाह ने बचा लिया, देख लिया सब कुछ कि बच गया हूँ मैं, लेकिन जब रस्सी काटने का हुक्म आता है तो ये सोच में पड़ जाता है। कहते हैं कि सुबह के वक्त जब बेस कैंप पे सयाह आए तो उन्होंने देखा ज़मीन से 2 फुट ऊपर एक लाश लटक रही है, जिसने मजबूती से रस्सी को थाम रखा है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर वो रस्सी काट देता तो 2 फुट की फॉल से उसका कोई बाल भी बिका होना था, खराश भी आनी थी, लेकिन नहीं, रस्सी पे ज़्यादा एतबार था, बचाने वाले पे आवा बिल्कुल एतबार नहीं था, इसीलिए रस्सी नहीं छोड़ी, मौत कबूल कर ली। हमारे साथ भी यही होता है, ट्वेंट पे क्या होता है, ज़मीन से 2 फुट ऊपर लाश लटक रही होती है और कहानी ख़त्म हो जाती है बस।